जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ असम यूनिवर्सिटी भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। ये भर्ती आपकी वेरियस पदों पर निकाली है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। पर दोस्तों उसके पहले जो आपका इस वीडियो का जीके का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर आपका सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी बाबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी बाबर और हेमू। तो जो भी आपको लगता है राइट आंसर है वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, और साथ ही आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी असम विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, जिसमें कि थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, जैसे कि पोस्ट नेम और किस पोस्ट के लिए कितने पद है। बट जैसे ही आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इसका ऑफिशियल पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितने पद है और कहां पर ये, यानी कि कौन से हेडक्वार्टर के लिए या कैंपस के लिए ये पद निकाले गए हैं। तो यहां पर ये आपकी शॉर्ट डिटेल्स है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप लोग 12 जून से लेकर 15 जुलाई 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। इसमें जो अप्लाई करने का तरीका रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा। अब चलिए नीचे चलते हैं और जो इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आने पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल देखने को मिलेगी, साथ ही किस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, और आवेदन करने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए इसमें एलिजिबल होने के लिए, ये सब जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट आती है जूनियर इंजीनियर की, इसके लिए एक पद है, और क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की योग्यता मांगी है। फिर आपकी LDC की पोस्ट आती है, इसके लिए 5 पद है, और इसमें आवेदन करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता या फिर उसके बराबर, या फिर यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सिटी विद सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये आपके पास होना चाहिए, और आपकी उम्र 28 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, जो कि आपकी 15 जुलाई 2020 तक काउंट की जाएगी। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 3 पद है, और इस पर आवेदन करने के लिए आपसे HSLC यानी कि 12वीं पास की योग्यता मांगी है। डिजायरेबल में यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट। बेसिकली डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि जो जरूरी है चीज़, एसेंशियल है, ये आपके पास होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। बट जो डिजायरेबल होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास एसेंशियल भी है और डिजायरेबल भी है तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, जिनके पास दोनों क्वालिफिकेशन होगी। बट अप्लाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट भी कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहां पर आपने जानकारी जाननी। फिर आती है आपकी MTS की, इस पर आवेदन करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता ही मांगी है, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यहां पर डिजायरेबल में आपसे मांगा है। अन्य पोस्ट की जानकारी भी आप यहां पर चेक कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपकी जो एप्लीकेशन फीस है उसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को जनरल OBC को 500 रुपये देने हैं, और जो आपका वुमेन एंड कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन अगेंस्ट SC ST पीओडी रिजर्व वैकेंसीज नीड नॉट टू पे एनी एप्लीकेशन फीस, यानी कि इन कैटेगरी कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सच कैंडिडेट्स हैव टू पे ₹200 एज चार्ज टूवर्ड्स पोस्टल एक्सपेंसिज, यानी कि इन कैंडिडेट को भी ₹200 चार्ज देना होगा, जो कि होगा आपका पोस्टल एक्सपेंसेस ETC। कैंडिडेट सेल क्लियरली इंडिकेट मेंशन दी कैंपस, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करोगे उनमें आपको जो आपका कैंपस है वो भी मेंशन करना होगा जब आप नीचे दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे, और ये जो फीस जमा करनी है वो आपको इस बैंक अकाउंट के अंदर जमा करनी होगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल आप फॉर्म भरते समय करेंगे, या फिर जिनकी ज़रूरत आपको इस फॉर्म को भरते समय पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी आपकी इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी। नीचे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल पा रहा है, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके भेजना है। अगर आप चाहते कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊँ और आपको पूरा प्रोसेस बताऊँ, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। अगर आप इस बारे में कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए फॉर्म की वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों बस यही थी आपकी असम यूनिवर्सिटी भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।